हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको शाहीन की तरफ से वेलकम है। आज मैंने सोचा कि कस्टर्ड बनाऊँ, तो कस्टर्ड के लिए चीज़ें कुछ यूँ हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ठीक है, उसको पतीली में 3 पाव दूध है और 1 पाव के करीब या थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया है। इसको इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करके जब कुकिंग करूँगी तब मैं शामिल करूँगी। मैंने उसमें फ्रूट केक लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, कॉकटेल फ्रूट लिया है, जेली लिया है, बनाना लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 लीटर दूध है और जिसमें से मैंने 1/4 कप मैंने निकाल लिया कस्टर्ड घोलने के लिए। अब हम इसमें सबसे पहले 1 लीटर के लिए मैं 8 खाने के चम्मच चीनी ऐड करूँगी। तो हम चीनी पहले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जैसे ही चीनी दूध में मेल्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपना जो कस्टर्ड है जो दूध में घोल के रखा है इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा दूध हमने निकाला हुआ था अब इसमें हम 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मैंने वनीला का लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सही। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अच्छी तरह, इसमें गुठली ना बने, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट डन है। अब हमने इसमें कस्टर्ड जो हमने चढ़ाया हुआ है, दूध और चीनी मेल्ट हो गई है चीनी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें चीनी मेल्ट हो चुकी है दूध में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा हुआ है दूध में अब इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। हम फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे, मैंने बहुत स्लो किया हुआ था। अब देखें इसमें दूध में उबाल आ गया है। अब जैसे ही इसमें झाग बनने लगा, उबाल आने की तरह हो रहा है, तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है, जो हमने दूध में थोड़ा सा चलाते रहेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट डन हो गई है, गाढ़ी हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रूम टेम्परेचर की तरह करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको गार्निश प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम कस्टर्ड पाउडर की गार्निशिंग करेंगे, कस्टर्ड की गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हमने कस्टर्ड इसमें शामिल किया, सही, और फिर हम केक शामिल करेंगे, सही। केक शामिल करने के बाद ये देखें मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ, पहले केक की और फिर फ्रूट की लगाऊंगी, सही है। ये मैंने फ्रूट केक की सारी लेयर लगा दी है, सही है, ये मैंने केक की लेयर लगा दी है। फिर हम अगेन कस्टर्ड डालेंगे, अब हम बनाना लेयर लगाएंगे, ठीक
ये हम फ्रूट, इसमें सब है, ये सब हमने शामिल कर दिया तमाम फ्रूट। मुझे ड्राई फ्रूट भी पसंद है तो मैं थोड़े से कुछ गार्निश के लिए रख लूँगी और कुछ इसमें ऐड कर दूँगी, सही एज इट इज। कुछ मैं जेली इसमें शामिल करूँगी और कुछ गार्निशिंग के लिए रख दूँगी, सही। अब हम दोबारा कस्टर्ड की लेयर अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारी लेयर कंप्लीट हुई, बिलीव मी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बल्कि ये बड़ों को भी पसंद आती है कस्टर्ड। आप कम ज्यादा मीठा कम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसमें जो है अपना खोपरा पाउडर होता है ना, मिलता है मार्केट में, आसानी से मिल जाता है, मैं उसमें वो भी ऐड करती हूँ। इसमें बहुत बहुत यमी और टेस्टी फ्लेवर लगता है। इंशाल्लाह आप लोगों को आई एम श्योर ज़रूर पसंद आएगी आपके घर वालों को। ये मैंने बादाम पिस्ते और खोपरा पाउडर लिया है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जितना हमें चिल पसंद है घंटों रख सकते हैं। और कस्टर्ड बिल्कुल डन है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और इसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत प्यारी लग रही है, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से अपने डिफरेंट जेली डिफरेंट फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वनीला यूज़ किया है, आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं एज़ यू लाइक। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अफ़ुदर गुज़र करें। अल्लाह हाफिज़।